रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी के लिए हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स हर वक्त और हर जगह तैयार रहते हैं। इन ऑफिसर्स की कुल तादाद 2000 से 3000 मानी जाती है। हर साल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ग्लोबल लीडर्स के साथ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के लिए फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, चाहे वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात हो या फिर जापान में G20 सम्मेलन। पुतिन ने दुनिया के हर कोने तक ट्रैवल किया हुआ है और अगर अभी तक आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि पुतिन जहां भी जाते हैं अपनी स्टाइल में ही जाते हैं। लेकिन स्टाइल के साथ साथ सिक्योरिटी पुतिन की टॉप प्रायोरिटी होती है। वो शख्स जिस पर कई जानलेवा हमले हुए, वो ट्रैवल करते वक्त सुकून की सांस कैसे लेता होगा? इनके साथ मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस की आर्मी दुनिया के किसी भी कोने में पुतिन को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, फिर चाहे पुतिन हवाई जहाज में ही सफर क्यों ना कर रहे हो। सुबह सवेरे नाश्ता और 2 घंटे एक्सरसाइज के बाद पुतिन के प्रोटोकॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो भी हेलीकॉप्टर का प्रोटोकॉल। पुतिन अपने घर से ऑफिस जाने के लिए ज्यादातर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की वजह से खासा मशहूर है, और वो भी MI-8 हेलीकॉप्टर। हालांकि ये MI-8 हेलीकॉप्टर बहुत ही कॉमन हेलीकॉप्टर है, लेकिन पुतिन के इस MI-8 को उन्होंने अपने कंफर्ट और जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करवाया हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंशियल सीट, सोफा, कम्युनिकेशन सिस्टम, LCD और जरूरत की तमाम चीजें पाई जाती हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर और एक मिनी किचन भी शामिल है। पुतिन के इस MI-8 की कीमत आम MI-8 हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा बताई जाती है, और पुतिन के पास ऐसे 2 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। पुतिन जब गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी और कंफर्ट से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनकी गाड़ी की बात की जाए तो ये लिमोजिन दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर्ड गाड़ी मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया और अमेरिका के बीच में कई झगड़े रह चुके हैं, इसीलिए पुतिन ने किसी अमेरिकन ब्रांड की गाड़ी इस्तेमाल करने के बजाय एक रशियन मेड गाड़ी को प्राथमिकता दी। फीचर्स और सिक्योरिटी के हिसाब से ये गाड़ी अमेरिकन प्रेसिडेंट के कैडिलैक प्रेसिडेंशियल लिमोजिनी को टक्कर देती है। ये गाड़ी हर एंगल से बॉम्ब और बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ इसमें एक अलग लेवल का एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, और अगर किसी हमले में इस गाड़ी के चारों टायर फट भी जाएं, तब भी ये 80 किलोमीटर के स्पीड से 30 किलोमीटर का सफर आसानी से कर सकती है। जैसे ही पुतिन की गाड़ी चलना शुरू होती है, गाड़ी को चारों तरफ से एस्कॉर्ट किया जाता है, और पुतिन की गाड़ी के टोटल 10 ड्राइवर हैं, और ये कोई आम ड्राइवर नहीं बल्कि हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स होते हैं जिनकी ट्रेनिंग में पूरे 10 साल लग जाते हैं। ये ड्राइवर्स ड्राइविंग के साथ साथ कमांडोज ट्रेनिंग भी लेते हैं, जो किसी भी माहौल में पुतिन को सिक्योर रखने की ताकत रखते हैं। इन ड्राइवर्स की महारत का अंदाजा ऐसे लगा लें कि ड्राइवर एक ही वक्त में फायरिंग करने और रिवर्स गाड़ी चलाने में भी महारत रखते हैं। पुतिन के फॉरेन ट्रिप से पहले इनका सिक्योरिटी स्टाफ ड्राइवर्स और लिमोजिनी कार पहले से ही अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहां से उनका सफर स्टार्ट होना शुरू होता है। पुतिन के सफर शुरू होने से खत्म होने तक छोटी से छोटी चीज भी प्री प्लान होती है। गाड़ी कौन सी लाइन में चलेगी, कौन सी गाड़ी आगे और कौन सी पीछे होगी, कौन सी गेट से एंट्री होगी और दरवाजा कौन खोलेगा, और किसने कौन से कपड़े पहने होंगे, ये सब चीजें पहले से ही पुतिन की सिक्योरिटी टीम प्लान करके रखती है। एक भी मूव आउट ऑफ प्लान हुआ तो बस वही खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। समुद्र पार सफर करना हो तो जाहिर है उसके लिए हवाई जहाज होना बेहद जरूरी है। 2018 में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक मीटिंग फिनलैंड में हुई, जिसमें ट्रंप एयरफोर्स वन के जरिए लैंड हुए तो पुतिन ने एयरफोर्स वन के रशियन वर्जन में एंट्री मारी, और ये जहाज इल्यूशन IN-96-300 PU के नाम से जाना जाता है, जो खास तौर पर रशियन प्रेसिडेंट के सफर के लिए तैयार किया गया था, और ऐसे 4 जहाज बनाए गए थे। सिक्योरिटी और लग्जरी के अलावा ये जहाज रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का हवाई ऑफिस भी कहलाता है। जी हाँ, इस जहाज में हर वो चीज मौजूद है जो पुतिन के जमीन पर ऑफिस में होती है। सिक्योरिटी एजेंसी इसको सीक्रेट ऑर्डर पास करने से लेकर न्यूक्लियर वेपन एंगेज करने तक तमाम चीजें पुतिन हवाई जहाज में अपने कैबिन में बैठे बैठे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट में अलग लेवल के एडवांस और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ऊंचाई से सीक्रेट मैसेज भेजा जा सकता है। प्रेसिडेंशियल
IL-96 में एक खास कैप्सूल भी रखा गया है जो किसी भी सूरत में पुतिन को जहाज से जंप करने में काम आ सकता है, ताकि अगर जहाज पर हमला भी हो तो जिस हिस्से में शूटर मौजूद है वो सेफ रहे। और पुतिन के इस जहाज में एक फुली इक्विपमेंट जिम, आलीशान बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग हॉल और किचन मौजूद है, जहां पर सफर के दौरान खाना पकाया जा सकता है। हवाई जहाज से हटकर बात की जाए तो पुतिन रिलैक्स होने के लिए अपने दोस्तों के साथ अपनी सुपर यॉट में सफर करते हैं, जिसमें 24 क्रू मेंबर्स के अलावा 6 लग्जरी केबिन और 2 VIP सूट्स मौजूद हैं। जमीन, पानी या हवा से पुतिन जब भी ट्रेवल करते हैं इस स्टाइल से करते हैं और लोगों को उनका स्टाइल बहुत पसंद आता है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक्स बताएं जिस बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।